नमस्कार दोस्तों, दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ राजस्थान पुलिस कांस्टेबल जिसकी नई भर्ती आ चुकी है, जिसके फॉर्म है वो 10 तारीख से ऑनलाइन हो भी चुके हैं और ज्यादातर बच्चों ने फॉर्म भी भर दिया। और जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा तो आज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और जिसने भी फॉर्म भर दिया वो बच्चे भी इस वीडियो को जरूर देखना। आज मैं आपको क्या बताने वाला हूँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कौन कौन से जिले से फॉर्म नहीं लगाना। ध्यान से सुन लेना, जो आपको मैं जिले बताऊंगा उनसे आपको फॉर्म नहीं लगाना। यदि आपने लगा दिया तो पहली बात तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, और दूसरी बात आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको फॉर्म है वो कौन कौन से जिलों से नहीं लगाना है, तो मैं आज आपका डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि कौन से जिले से आपको फॉर्म लगाना है, कौन से जिले से आपको नहीं लगाना, और किस किस के फॉर्म रिजेक्ट होंगे, सभी कैटेगरी वाइज आपको बताने वाला हूं। तो चलता हूं टॉपिक के ऊपर। उससे पहले चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले चिन्ह को जरूर दबा लेना, जिससे सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके। पहला मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूं कि कौन कौन से जिले से आपको फॉर्म है वो नहीं भरना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जहां पर आपकी कैटेगरी की पोस्ट नहीं है उस जिले से फॉर्म मत भर देना। मैं खुद नहीं बोल रहा, ये आपके नोटिफिकेशन में साफ साफ लिख रखा है कि यदि आपने ऐसे जिले से फॉर्म भर दिया जहां पर आपकी कैटेगरी की पोस्ट ही नहीं है तो आपके फॉर्म को फाइनली रूप से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फॉर्म तो भर दोगे लेकिन आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो मैंने आपका पहला डाउट क्लियर कर दिया, जहां पर जीरो पोस्ट है वहां से फॉर्म अप्लाई मत करना। खासकर मैं ओबीसी वाले पिछड़े वर्ग के बच्चों को बता रहा हूं, क्योंकि बहुत जिले ऐसे हैं जिनमें ओबीसी की पोस्ट नहीं है, तो आपको ऐसे जिले से फॉर्म मत भर देना। जहां पर ओबीसी की पोस्ट ही नहीं है तो आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि मेरी उम्र है वो 23 साल से कम है, और मैं जिस जिले से फॉर्म भरना चाहता हूँ वहां पर पोस्ट भी नहीं है, तो क्या मैं भर सकता हूँ? वहां से आप दोस्तों भर सकते हो, क्योंकि आपको जनरल कैटेगरी के अंदर डाल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी उम्र है वो 23 साल से कम है, और जनरल कैटेगरी के जो क्राइटेरिया है उसके अंदर यदि आप आते हो तो आपको जनरल में डाल दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन आपकी उम्र है 23 साल से ज्यादा है तो आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको पहले देख ले रहे कौन कौन से जिले से कितनी पोस्ट है, जहां पर दोस्तों पोस्ट ही नहीं है उस जिले से फॉर्म अप्लाई मत करना। अब आगे दूसरा डाउट आता है, और कौन कौन के फॉर्म रिजेक्ट होंगे। दोस्तों आपको मैं बता दूं, आपको ऐसे जिले से भी फॉर्म नहीं भरना जहां पर दोस्तों एक पोस्ट हो दो पोस्ट हो, क्योंकि रिक्स मत लेना। ध्यान से सुन लेना, रिक्स मत लेना। यदि आपकी अंतिम भर्ती है और आप इस भर्ती के बाद में ऑवरेज हो जाओगे तो ऐसे जिले से फॉर्म मत भरना जहां पर एक या दो पोस्ट है, अच्छी खासी पोस्ट है, मतलब कि 10-15 पोस्ट है, आप वहां से फॉर्म अप्लाई कर देना। फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं होगा आपका, क्योंकि वहां से दो पोस्ट है एक पोस्ट है, लेकिन आप फाइनल मेरिट में बाहर हो सकते हो। तो आपको ये रिक्स भी नहीं लेनी है, जहां पर अच्छी खासी पोस्ट हो वहां से आपको फॉर्म वो अप्लाई कर देना है। तो मैंने आपका ये डाउट क्लियर कर दिया। तीसरा सबसे बड़ा डाउट ये आता है कि मेरी उम्र है वो 23 साल से ज्यादा है तो क्या मैं जनरल कैटेगरी में फॉर्म भर सकता हूँ। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आपकी उम्र है वो 23 साल से ज्यादा है तो आप जनरल कैटेगरी में काउंट नहीं होंगे, आप अपनी कैटेगरी में रहेंगे, और यदि आपने जनरल से फॉर्म लगा भी दिया तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ध्यान देने वाली बात मैंने आपको सभी बता दिया। अब सबसे बड़ा डाउट ये आता है कि फिर हम फॉर्म कहां से भरे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, फॉर्म आपको ऐसे जिले से भरना है जहां पर पोस्ट भी अच्छी खासी हो, और गई बार की मेरिट उठाकर जरूर देख लेना कि वहां पर मेरिट क्या रही थी गई बार, तो आप ऐसे जिले से फॉर्म भर देना। तीसरा सबसे बड़ा डाउट आता है कि अब कितने फॉर्म भरे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जितने आप चाहो उतने फॉर्म भर सकते हो, आपका फॉर्म को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, आप जितने चाहो उतने फॉर्म भर सकते हो। लेकिन आपको पहले देख लेना है कि वहां पर पोस्ट कितनी है, गई बार की कट ऑफ क्या गई थी, और आपके जिले से कितनी दूर जिला है। ऐसा भी मत कर लेना कि आपका जिला तो है यहाँ पर और नौकरी कर रहे हो वहां पर, तो आपको सब कुछ देख दाख कर ही फॉर्म भरना है। आज की वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपको गलती नहीं करनी। ज्यादातर बच्चे यही गलती कर रहे हैं, जहां पर जीरो पोस्ट है वहां से भी फॉर्म लगा दिया और अंतिम रूप से उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपका सब कुछ डाउट क्लियर कर दिया, आपको कौन से जिले से फॉर्म लगाना है और कौन से जिले से फॉर्म नहीं लगाना है, किस किस को जनरल में डाला जाएगा, किस किस को जनरल कैटेगरी में नहीं डाला जाएगा, सब कुछ मैंने आपका क्लियर कर दिया। अब भी आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो बेझिझक कमेंट करके बता देना, जल्दी जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और यदि आप भी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की बिल्कुल फ्री में तैयारी करना चाहते हो तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल को जरूर दबा लेना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।